हेलो जय माता जी, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं साबूदाने का खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं पहले आधा घंटा पहले इसको भिगो ली थी और अच्छे से छन्नी में इसको छान ली थी, और पहले ही मैं नमक और धनिया पत्ता कट करके मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद से चार आलू बॉयल कर ली और उसके बाद उसको कट करके 2 चम्मच घी में अच्छे से उसको फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ये जो ली थी साबूदाना और ये पूरा उसमें मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद से लास्ट में मैं एक टमाटर कट करूँगी और उसके बाद से उसको उसी में मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग को टमाटर अच्छा लगे तो डालें, या नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये 5-10 मिनट तक उसको अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे, उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। अब बहुत जल्दी ये बन जाता है। आप लोग को ये कैसा मेरा मिनी ब्लॉग लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे वैसे कर देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आप लोगों को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहें और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें।